सो नाउ वी कम ऑन टू अ वेरी न्यू टॉपिक विच इज़ गैमिटोजेनेसिस। तो जो मेरे अभी तक के लेक्चर्स थे उनमें आपने ये पढ़ा कि वॉट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, वॉट वर द स्ट्रक्चर्स विच वर रेस्पॉन्सिबल। आपने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बारे में पढ़ा, ओवरी के बारे में पढ़ा, जर्माइनल एपिथीलियम के बारे में पढ़ा। तो इसमें आपने वो सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी, उनकी पोजीशनिंग पढ़ी, उनका एट्रीब्यूशन पढ़ा। लेकिन बेसिकली जो गैमिटोजेनेसिस हो रही है तो वो कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है, व्हाट आर द प्रोसेस, मियोसिस हो रही है, माइटोसिस हो रही है, या किस तरह से ये गैमीट्स बन रहे हैं, इस लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था, गैमीट्स स्पर्मेटोजोआ भी होते हैं मेल्स में, और फीमेल्स में वो चीज़ ओवम होती है। यानी उसको अगर प्रिसाइसली स्पीकिंग तो ओवम की जगह पर हम उसको सेकेंडरी ओवोसाइट भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से पदार्पण करता हूं मैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर का। ठीक है, तो जो पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है, इस स्लाइड में आप देखेंगे कि व्हाट वर द स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली एक रिकैपिटुलेशन, एक रिपीटिशन की स्लाइड है। इस स्लाइड में आपको मैंने दिखाया है कि हाउ द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम से लाइंड होते हैं, और उन क्यूबॉइडल एपिथीलियम में होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इसीलिए उनको जर्माइनल एपिथीलियम भी कहा गया। कुछ हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, मैं आपको इस लेक्चर में भी रिपीट कराऊंगा। ठीक है, तो उन क्यूबॉइडल एपिथीलियल सेल्स के बीच में मैंने आपको कुछ स्पेशल सेल्स के बारे में बताया था कि जिनको कि मैंने नर्व सेल्स का नाम दिया था। तो ये नर्व सेल्स क्या कहती हैं, जैसा कि इनका नाम है, दे नर्स, दे हेल्प, दे नर्चर द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोन्स। जो भी स्पर्मेटीड है, स्पर्मेटोजोन है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्म्स हैं, इसमें ये नर्व सेल्स क्या करती हैं कि ये नरिश करती हैं, उनको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो कि उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो उसको देखिए इस फिगर में यहाँ पर सर्टोली सेल्स के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक है, देन वी कम ऑन टू द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आर रिफर्ड टू एज दोज डेवलपिंग स्पर्मेटीड्स, या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स आर रिफर्ड टू एज दोज डेवलपिंग गैमीट्स इन द पर्टिकुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो है वो किसमें चेंज हो जा रही है, स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोसाइट से फिर दे आर चेंजिंग इन टू स्पर्मेटीड। स्पर्मेटीड से किसमें चेंज हो जा रही है, वो स्पर्मेटोजोआ में। तो जो भी यहां पर ये सिंपल स्टेप दिया हुआ है बेटा, इसको मैं बेसिकली मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें जो भी ये स्टेप दिए हैं कि स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटीड का बनना, या उससे स्पर्मेटोजोआ का बनना, देखने में ये सिंपल लगता है, पर दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इससे नीट में सवाल आते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स पर सवाल आते हैं, इसीलिए मुझे इस चीज़ को इलेबरेट करके और उन आने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको प्रिपेयर भी करना है इसीलिए। और मैं एक ओवरव्यू देता हूं ताकि आप लोगों को पिछला जो है वो याद रहे, और फिर नया जो है अब हम यहां से शुरू करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो ये स्पर्म है उसमें उसका एक स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू दिया हुआ है मैंने, जिसमें हेड है, नेक है, और उस स्पर्म की टेल है। तो इसको भी मैं अपने आगे के लेक्चर में धीमे धीमे करके एक्सप्लेन करूंगा, इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो दिस इज अ जनरल ओवरव्यू, ये एक जनरल ओवरव्यू है। अब हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की इस प्रक्रिया पर। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, ये सबसे पहला सवाल जो आपसे नीट में पूछेगा, कितने दिन में पूरी होती है, तो यहां पर 16 दिन, 24 दिन, और इस प्रक्रिया को होने में भी 24 दिन लगते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 64 डेज। तो सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से ये पूछेगा कि कितने दिन में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है, तो आपका जवाब होगा अप्रॉक्सीमेटली 64 डेज। और इवन मैंने
इनको अलग अलग सेक्टर्स में बांट रखा है। तो इवन अगर आपसे ये भी पूछता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनियल सेल्स या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, देखिए ये है स्पर्मेटोगोनिया, जो ये है जो एक्टिव स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होने में कितना समय लग रहा है। प्रिसाइसली अगर मैं 64 डेज को डिवाइड करूं तीन पोर्शन में या चार पोर्शन में डिवाइड करता हूं आपके लिए, तो जो पहला पोर्शन था वो 16 दिन का था। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने में कितना समय लग रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो उसमें दिया है कि मियोसिस टू अकर्स इन सम आवर्स, यानी जो स्पर्मेटीड है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटीड, ऐसे याद रखिए। सबसे पहले है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, ये 16 दिन का समय ले रही है, 16 डेज का समय ले रही है टू चेंज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चेंज होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो ये दिया हुआ है मियोसिस वन, ये है मियोसिस वन की स्टेज, दिस स्टेज इज फॉर स्टेज नोन एज मियोसिस वन, एंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग 24 डेज, ये याद रखिएगा बेटा आप लोग। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये एक अच्छा सवाल है जो आप लोगों से पूछ सकता है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होने में कितना समय लग रहा है, 16 डेज। ये फिनोमेना माइटोसिस है, ये फिनोमेना माइटोसिस का फिनोमेना है। फिर उस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी मियोसिस वन, दिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ये रिडक्शनल डिवीजन है, याद रखिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 2n है तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगी वो n नंबर की हैप्लॉइड क्रोमोसोम कैरी करेगी, ठीक है। नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज चेंजिंग इनटू स्पर्मेटीड, अब ये जो है इट इज चेंजिंग इनटू स्पर्मेटीड, दिस थिंग इज चेंजिंग इनटू स्पर्मेटीड थ्रू सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन का मतलब वो माइटोसिस ही होता है, तो नाउ इट इज चेंजिंग इनटू स्पर्मेटीड, दिस फिनोमेना टेक्स ओनली फ्यू आवर्स, वेरी शॉर्ट लिफ्ट, ये जो मियोसिस टू होती है इट इज वेरी शॉर्ट लिफ्ट, तो यही लिखा हुआ है यहां पर, विदिन फ्यू आवर्स दिस थिंग इज कंप्लीटेड। लेकिन जो लास्ट फिनोमेना है स्पर्मेटीड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इसे मॉर्फो डिफरेंशिएशन की स्टेज भी कहते हैं, इट इज अगेन टेकिंग 24 डेज, ठीक है, यानी मॉर्फो डिफरेंशिएशन हो रहा है, कोई मियोसिस या माइटोसिस नहीं हो रही है, सिर्फ स्पर्म का जो गोल स्ट्रक्चर था इट इज चेंजिंग इनटू अ स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर, सो सच अ थिंग इज नोन एज मॉर्फो डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू नो, ये 64 डेज में कंप्लीट होती है, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रही थी वो एक माइटोटिक डिवीजन था जिसमें 16 दिन लगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज चेंजिंग इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन की स्टेज है, इसमें पूरे 24 दिन लगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विद इन फ्यू आवर्स स्पर्मेटीड में चेंज हो जाती है,
ठीक, लेकिन उन बने हुए स्पर्मेटीड का मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन होते होते 24 दिन लग जाते हैं, 24 डेज लग जाते हैं। तो कब माइटोसिस हुई, कब मियोसिस वन हुई, कब मियोसिस टू हुई, कितना ड्यूरेशन लगा इन सबका होने में, इस चीज को ध्यान देना है इस चार्ट में बेटा। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को तीन फेज में बांटा गया, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज में। मल्टीप्लिकेशन फेज यहां तक आएगा, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज। इसके बाद यहां से यहां तक का ग्रोथ फेज हो जाता है और आखिरी का जो फेज है इसको मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कुछ स्पेशल नाम भी दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दिस नेम। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो सेकेंड है वो ग्रोथ फेज को बिलोंग करेगा और आखिरी में जो मैच्योरेशन फेज है उसमें स्पर्मियोजेनेसिस, इसको मॉर्फो डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम आपको मॉर्फो डिफरेंशिएशन के बारे में और भी कई चीजें बताते हैं। जस्ट सी, लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आप इस डायग्राम में देखिए किस तरह से एक स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो रही है। याद रखिए ये प्रोसेस पूरे 24 डेज लेगा, ये पूरे 24 डेज लेगा। चार चीजें हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस यानी चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड इनटू फ्लैजलर स्पर्मेटोजोआ। देयर आर फोर थिंग्स विच यू हैव टू पॉन्डर अपॉन। इसमें ऐसी चार चीजें हैं जिसको कि आपको देखना है। पहला, एक्रोजोम फॉर्मेशन, एक्रोजोम का बनना। बी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल कंडेंसेशन मिलता है देखने को। सी, न्यूक्लियर कंडेंसेशन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर कंडेंसेशन देखने को मिलेगा। और फोर, फ्लैजला का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, फ्लैजला का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये चार चीजें हैं जो कि आपको वेरियस स्टेप्स ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस में देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके इन चारों को डिस्कस करते हैं। एक्रोजोम, जो स्पर्म का एक्रोजोम होता है ये गॉल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। भाई स्पर्म एक सेल है, सेल के अंदर गॉल्जी बॉडी होगी। एक्रोजोम जो होता है इसका कंडेंसेशन हो जाता है, गॉल्जी बॉडी का कंडेंसेशन हो जाता है एट द टिप। ये देखिए ये एक्रोजोमल एलिमेंट्स को दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। एट द टिप, जो टिप होती है स्पर्म की इसको कहते हैं गेलिया कैपिटिस। इसके जस्ट नीचे ये गॉल्जी बॉडी कंडेंस हो जाती है ऐसे, इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म। इन एक्रोसोमल एलिमेंट्स में कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म को हेल्प करती हैं टू पेनिट्रेट द ओवा ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। आप अगर हमसे स्पेसिफिकली उन एंजाइम्स का नाम पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे हाइलुरोनिडेज का नाम और एक्रोसिन एंजाइम का नाम। ये दो ऐसी मेन एंजाइम्स हैं जो कि इस एक्रोसोमल असेंबली में, कंडेंस्ड एक्रोसोमल असेंबली में पाई जाती हैं और हेल्प करती हैं पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, वेरियस लेयर्स को डिसॉल्व करने के काम आती है ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए आप इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक्रोसोम है वो रीअरेंज होकर के और स्पर्म के टिप पर चला जा रहा है। ठीक, द सेकेंड थिंग विच यू फाइंड इज माइटोकॉन्ड्रियल असेंबली। जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ये येलो डॉट्स पहले स्कैटर्ड थे, फिर धीमे धीमे करके ये मिडिल पीस में आ करके कंडेंस हो गए इन फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल शीथ।
इन फॉर्म ऑफ अ स्पाइरल शीथ के फॉर्म में ही आकर के माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल सेक्शन, मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म में आकर के कंडेंस हो जा रहे हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको कि निबेनकर्न शीथ कहते हैं। जब हम स्पर्म का डिटेल्ड स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। देन द थर्ड इज न्यूक्लियर कंडेंसेशन। जो न्यूक्लियस है उसका, देखिए उसका कंडेंसेशन किस तरह से हो जा रहा है। जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है, इट इज वेरी कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। वेरियस बायोमोलिक्यूलर फिनोमेना है जो कि टाइटली बाइंड कर देते हैं इन क्रोमैटिन फाइबर्स को, ठीक है। उन बायोकेमिकल फाइबर्स के बारे में हम आपको तब बताएंगे अगर आप हमारा बायोकेमिस्ट्री का या बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखते हैं। तो देन वी कम ऑन टू द फ्लैजुलर फॉर्मेशन। बाई इलोंगेशन हो रहा है टेल लाइक स्ट्रक्चर में विद अ माइक्रोटिब्यूलर 9+2 अरेंजमेंट। फ्लैजुला का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो विप लाइक फ्लैजुला का फॉर्मेशन हो रहा है, वो उसके अंदर एक कंटिन्यूअस माइक्रोटिब्यूल गया हुआ है जो कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की मदद से बना रहता है। इस वजह से टेल को आप किसी भी एंड पर अगर काटते हैं, उसका TS काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो यू विल ऑलवेज गेट अ 9+2 माइक्रोटिब्यूलर असेंबली। ये भी एक अच्छा सवाल है। तो इस स्पर्मियोजेनेसिस से लेकर के इतने तरीके के सवाल आपके सामने नीट वाले बनाते हैं, सो यू मस्ट कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी फैक्ट विच इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके बारे में मुझे आपको बताना था या उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना था, वो चीज मैंने इसके माध्यम से की हुई है। एक और खास बात है, अगर कुछ बच्चे जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में और उन्होंने काफी पढ़ाई की है, तो वो देख सकते हैं कि धीमे धीमे इस डायग्राम में साइटोप्लाज्म कम होता चला जा रहा है, क्षय होता चला जा रहा है। एज द स्पर्म इज मैच्योरिंग, जैसे जैसे स्पर्म मैच्योर हो रहा है, मॉर्फो डिफरेंशिएट करके अपनी फाइनल स्टेजेस में जा रहा है, साइटोप्लाज्म कम होता चला जा रहा है और धीमे धीमे करके वो इतना ज्यादा कम होता चला जा रहा है कि बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो आप कहेंगे कि सर ये साइटोप्लाज्म खत्म क्यों हो जाता है, और अगर ये साइटोप्लाज्म खत्म हो जा रहा है तो बचे हुए साइटोप्लाज्म का होता क्या है। कनेक्ट करिए, मैंने बताया था कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो फाइगोसाइटोसिस का भी काम करती हैं। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये उसकी फाइगोसाइटोसिस कर लेती है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली चीज है। तो ऐसी और भी कई चीजें हैं जो कि इस फिगर को जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान आएंगी। सो यू ऑलवेज मस्ट बी प्रिपेयर टू लर्न अ न्यू थिंग बाय इमेजिनिंग, बाय रीडिंग द फिगर, बाय द परसेप्शन, ठीक है, ओके। देन आई मूव टू सम ऑफ द हार्मोन्स। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड कि मैं आपको एक एक हार्मोन के बारे में बताऊंगा। यहां पर मेल गैमिटोजेनेसिस के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो दो होते हैं, एक होता है FSH और दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेल्स ऑफ लेडिक सेल्स द्वारा सिक्रीट किया जाता है। लेडिक सेल्स, इंटरस्टीशियल सेल्स भी कहते हैं इनको। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप इनके बारे में पा सकते हैं, मैंने एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दिखाई है, उस स्लाइड के अंदर मैंने उनकी पोजीशनिंग बताई है, उस पोजीशन को स्टडी कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी बताया है कि ये तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं सेल्स ऑफ लेडिक। टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में सिक्रीट हो रहा है, जबकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स या सेमिनिफेरस ट्यूब्स के अंदर होती है। तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है उस टेस्टोस्टेरोन को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस से उठा करके सेमिनिफेरस ट्यूब के ल्यूमन के अंदर लेके आने के लिए? तो इन चीजों को अगर आपको जानना है, इन फैक्ट्स को आपको मुझे जानना है, इफ यू हैव टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स देन जस्ट रिफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स। तो जो मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल था वो था FSH एंड सेकेंड वॉज टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन और FSH आर द टू हार्मोन्स विच आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्म्स। और अगर आपसे टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच दोनों में पूछेगा तो आप एफएसएच बोलना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही वो हार्मोन है जो कि सर्टोली सेल से कहता है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस कराओ। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एफएसएच का रोल होता है। तो अगर फर्स्ट ही ना रहे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रह के भी क्या करेगा। तो इसीलिए प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी दी जाती है वो एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की दी जाती है। कि अगर आपसे पूछता है कि टू विच हार्मोन डू यू एट्रीब्यूट द स्पर्मेटोजेनेसिस, किस हार्मोन की प्रेजेंस को एट्रीब्यूट करेंगे आप, तो आप कहिए सर एफएसएच को ही हम एट्रीब्यूट करेंगे। ओके, अदर देन दिस देयर आर एंटी मुलेरियन हार्मोन, इनहिबीन हार्मोन एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये तीन ऐसे हार्मोन हैं जो कि सर्टोली सेल्स रिलीज करती हैं। इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था और आज भी फिर बता दूं कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उस टेस्टोस्टेरोन को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस से उठा करके सेमिनिफेर स्टिब्यूल में लाता है। इनहिबीन हार्मोन जो है इसका फीडबैक मैकेनिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एंटी मुलेरियन हार्मोन आ जाता है। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेल के अंदर डेवलप होने से रोकता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द हार्मोन्स। अब इन हार्मोन्स का एक मैंने फीडबैक मैकेनिज्म का चार्ट क्रिएट किया आप लोगों के लिए, जिसको कि आप यहां देख रहे हो। तो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, नीचे मैंने लिखा हुआ है एचपीजी एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस। ये एचपीजी का फुल फॉर्म होता है बेटा। किस तरह से हाइपोथैलेमस से निकल करके पिट्यूटरी को इफेक्ट करने वाले हार्मोन, किस तरह से पिट्यूटरी से निकल करके मेल गोनाड्स को इफेक्ट करने वाले हार्मोन्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनका फीडबैक मैकेनिज्म कैसा होता है। जस्ट हैव अ लुक एट इट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। आइए इस डायग्राम को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जस्ट कीप इट हियर, यू विल हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट इट। सबसे पहले क्या होता है कि GnRH यानी गोनाडोट्रॉफिक रिलीज हार्मोन की प्रेजेंस, गोनाडोट्रॉफिक रिलीज हार्मोन GnRH जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है और वो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ द मेल को कहता है कि आप FSH और LH का सिक्रीशन करो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करो। अब यहां पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि ये FSH और LH की जो टारगेट सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं। जो FSH होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा। FSH जो होता है वो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर पाए जाएंगे। तो इट इज डायरेक्टली इंड्यूसिंग द सर्टोली सेल्स, इंड्यूसिंग द जर्माइनल सेल्स टू प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस, ज्यादा से ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस कराइए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो उसका काउंटर पार्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट कर रहा है। अब आपको ये तो पता ही है कि जो लेडिक सेल्स होती हैं दे आर द इंटरस्टीशियल सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेसेस। तो LH के प्रेजेंस में ये जो लेडिक सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कर देती हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन इज अगेन नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। उसको जो एबीपी होता है वो ल्यूमिनल स्पेस में लेके चला जाता है। अब जब बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी तो ये जो बहुत ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है ये भी फीडबैक मैकेनिज्म देता है हाइपोथैलेमस को कि अब बस करिए, अब GnRH मत सिक्रीट करिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुकी है। तो नेगेटिव फीडबैक का तो एक लूप ये है। दूसरा लूप ये है कि जो सर्टोली सेल्स इनहिबीन रिलीज करती थी, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगे तो सर्टोली सेल्स इनहिबीन रिलीज कर देती है। इवन वो इनहिबिन क्या करेगा, ये इनहिबिन अगेन नेगेटिव फीडबैक देगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबीन जैसा कि नाम है, कि आप अब और एफएसएच और एलएच मत सिक्रीट करो। इवन बढ़े अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी नेगेटिव फीडबैक दे देता है पिट्यूटरी को कि डोंट सिक्रीट मच अमाउंट ऑफ एलएच नाउ, इट्स नॉट नीडेड एनी मोर।
तो दिस बेसिकली यहां पर तीन लूप होते हैं, एक तो इनहिबिन डायरेक्टली जाकर के हाइपोथैलेमिक एक्सेस को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस खुद ही फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रही है, अदर देन दैट एलिवेटेड अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड इज इवन एक्टिंग एज अ नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमोपिट्यूटरी एक्सेस टू स्टॉप देम रिलीजिंग दीज फॉलिकल एंड ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। सो ये एक फीडबैक चार्ट है, फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको कि आपको स्टडी करना रहता है। होप यू आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ओके, सो नाउ आई बिगिन विद द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मैंने कुछ सिमिलरली रिलेटेड शब्दों को आपके सामने रखा है। इसमें सबसे पहला शब्द है बेटा स्पर्मिएशन, ध्यान से सुनिएगा। स्पर्मिएशन का मतलब ये होता है कि जो सर्टोली सेल्स हैं जो स्पर्मेटोगोनिया को नरिश कर रही हैं, जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, जब सेमिनिफेरस टिब्यूल को छोड़ करके, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है, वो स्ट्रक्चर याद होगा, सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकल करके ये रेटी टेस्टीज से निकल करके ये वासा एफरेंशिया के थ्रू इपिडिडाइमस में चला जाता है स्पर्म, यही तो बताया मैंने आपको। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल को छोड़ करके इपिडिडाइमस में चले जाने के प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कह देते हैं। व्हेन द सेल्स आर लीविंग द ल्यूमिनल स्पेस ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल एंड रीचिंग द इपिडिडाइमस, दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन, इसको हम कह देते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज स्पर्मियोजेनेसिस, इस पर डिस्कशन हो चुका है। स्पर्मेटिड का बिना माइटोसिस या मियोसिस हुए मॉर्फो डिफरेंसिएशन, जो चार्ट अभी बताया था वो याद होगा आपको, इस प्रोसेस को कह देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सिर्फ मॉर्फो डिफरेंसिएशन हो रहा है, नंबर में कोई चेंज हो रहा है, सो दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। थर्ड वर्ड है बेटा इजेकुलेशन, जब स्पर्म ह्यूमन बॉडी छोड़ दे, जब स्पर्म पेनिस से बाहर निकल जाए एनवायरमेंट में, आउटर स्पेस में, तो आप इसको कह देंगे कि दिस इज इजेकुलेशन अंडर द पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ये जब स्पर्म मेल बॉडी को छोड़ करके आउटर एनवायरमेंट में आ जाता है तो दिस इज नोन एज इजेकुलेशन। वही हार्मोन, वही स्पर्म अगर वजाइना के अंदर डिपॉजिट हो जाए, बाहर आउटर स्पेस में ना होकर के वजाइना में, यानी रियल क्वाइटस हुआ हो, तो इसी फिनोमेना को कह देते हैं इनसेमिनेशन। मतलब कि इजेकुलेशन इनसाइड द वजाइना इज नोन एज इनसेमिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा बेटा, आप याद करिए, यहां पर एक प्लेन पेपर है, आप याद करिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने ये पढ़ा था कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो हैं उनमें माइटोसिस हुई थी एंड दे चेंज्ड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सही बताया ना। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस हुई, मियोसिस वन, एंड दे चेंज्ड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सही है ये। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू हुई, मियोसिस टू थोड़ी देर चली और दे चेंज इनटू स्पर्मेटिड। अब आप ये सोचिए कि एक से बने दो, फिर इन दो से बने दो दो, और ये चेंज हो गए स्पर्मेटोजोआ में, जो कि अल्टीमेट मॉर्फो डिफरेंशिएशन है।
तो हमेशा ये याद रखिएगा बेटा कि अगर आपसे ये पूछता है कि 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटीड बनाएंगे, अगर आपसे ये सवाल पूछता है तो हो जाएगा 400 एक से बनेंगे चार। ये चीज याद रखिएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर उनमें होगी सेकेंड मियोसिस, तो 2 के 4 होगा। इस चीज को मैं आपको अपने आगे के लेक्चर्स में भी समझाऊंगा। इवन आपको यह भी बताऊंगा कि जो ओवेरियन ओवम है वो कितने बनाएगा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये छोटी सी मैथमेटिक्स है जो कि जानकारी के अभाव में आप रहेंगे तो ये सवाल गलत भी कर सकते हैं। प्राइमरी 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगी और 400 बनेंगे स्पर्मेटिड। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का एक मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दे रखा था। जनरल ओवरव्यू में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि जो स्पर्म होता है उसकी एक बेसिक हेड होती है, एक मिडिल पीस होती है और एक टेल बॉडी होती है, ठीक है। कट करो भैया।